हेलो एवरीवन। तो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी रूम की डीपली क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में सबसे पहले मैं अपना फेस कवर कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे धूल से बड़ा इरिटेशन हो जाता है। जब धूल चढ़ जाती है तो फिर बुरा हाल हो जाता है, कोल्ड वोल्ड होने की शिकायत हो जाती है। तो फिर इसलिए सबसे पहले मैंने फ़ेस कवर करने के बाद यहाँ पर जाले वाली झाड़ू उठा ली है, जाला झाड़ू इसको बोलते हैं हम। और ये इससे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी दीवार की, छत की, और जो ये गाटर लगे हुए हैं छत में, इन सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इनके अंदर जाले लग जाते हैं दोनों तरफ साइड में, तो मैं उनको इस जाला झाड़ू की हेल्प से अच्छे से झाड़ लूँगी सारे जाले। और ऐसी क्लीनिंग मैं महीने में दो बार नहीं तो एक बार तो ज़रूर कर ही लेती हूँ 20-25 दिन के अंदर अंदर। इसके बाद मैं इसे ही झाड़ू से दीवारों पे भी मार लूँगी, ताकि दीवारों पे जो जाले लग जाते हैं, कई बार मकड़ी चल जाती है छोटी छोटी सी, वो दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी छोटी मकड़ी होती है मच्छर टाइप की, तो वो उतर जाएँ, वो सब लगी ना रह जाए मतलब इस पे एक भी। इसके बाद यही जाला झाड़ू फिर मैं पंखे पे भी मार लूँगी एक बार, क्योंकि पंखे पे भी जाले लग जाते हैं। ये गाँव का काम है, मिट्टी धूल इसमें बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पर मेरे घर में, तो बस इसी वजह से यही जाला झाड़ू मैं एक बार पहले पंखे दीवारों पे मारने के बाद, दोबारा इसको गाटर पे मारने के बाद फिर मैं पंखा इसी से साफ़ कर लूँगी एक बार। और जो दीवारों के चारों तरफ के मतलब कोने होते हैं, मैं उनमें भी इस झाड़ू को एक बार मार लेती हूँ। और अब मैं दूसरी साइड में आ चुकी हूँ, वो मेरे बेड के ऊपर का हिस्सा था, और इस साइड में मेरे सोफ़े टेबल डले हुए हैं, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी वीडियो के। तो मैं अब दूसरी साइड में आ चुकी हूँ, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ अपना पंखा साफ़ करने के लिए, क्योंकि पंखा सिर्फ झाड़ू के साफ़ करने से साफ़ नहीं होता है। अब मैंने ये कपड़ा एक साइड से सूखा रखा और एक साइड से गीला। पहले मैं सूखे कपड़े से इसका रेत मिट्टी जो लगा हुआ है वो उतार ले रही हूँ, उसके बाद दूसरी साइड से गीली तरफ से मैं इसको इस पंखे पर फेर दूँगी। और गीली तरफ से सुखाने सॉरी फेरने के बाद फिर मैं एक बार सूखे कपड़े को, वो जो रेत मिट्टी था उसको झाड़ के फिर से वापस एक बार सूखा कपड़ा इस पर फेर देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने पंखे को साफ़ कर लूँगी, और पंखे को साफ़ करना मेरे लिए बहुत रिस्की हो रहा था क्योंकि मैंने इस तरह से फ़र्स्ट टाइम क्लीन किया था बिना इनकी हेल्प के। या तो यही करते हैं या फिर मैं करती हूँ, तो ये नीचे से टेबल चेयर मतलब जो भी रखा होता है वो पकड़ते हैं, और आज ये थे नहीं, तो मैं बिना पकड़े ये खड़ी थी और मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे पैर काँप रहे थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग साफ़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर की चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ, तो ड्रेसिंग के ऊपर से भी मैं क्लीन कर लूँगी। और क्लीन करने के बाद इसी कपड़े से, कपड़ा भी काफ़ी गंदा हो चुका है वैसे अभी मेरा, तो डोंट माइंड। तो अभी इसी कपड़े से साफ़ करने के बाद इसका सामान उठा उठा के मैं वापस इस पर लगा दूँगी। और अब मैं ये अलमारी के ऊपर जो एक ये डिब्बा टाइप रखा है इसको उतारूँगी, और फिर झाड़ू से अलमारी के ऊपर के भी जाले उतारूँगी, क्योंकि जो जाले मैंने ऊपर से साफ़ किए हैं वो भी इस पर ही गिरे होंगे। तो इसके बाद मैं वापस से डिब्बा इसी पे लगा दूँगी। अलमारी पे मैंने कपड़ा भी फेर लिया था, और इसके बाद मैं बेड के जो सिरहाना होता है उसको साफ़ कर लूँगी। वो तो मैं डेली में भी करती हूँ, लेकिन आज क्लीनिंग की है, ऊपर से जाले जड़े हैं, तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा, आज तो करना ही पड़ेगा। तो इसके बाद मैं अच्छे से बेड को साफ़ कर लूँगी। बेड को आपको पता ही, मैंने पहले भी दिखाया है हमेशा कैसे क्लीन करती हूँ, पहले एक गीला कपड़ा मारती हूँ, आज पहले मिट्टी झाड़ी है उसके बाद गीला कपड़ा मारा है, और तुरंत हाथों हाथ मैंने सूखा कपड़ा भी फेर दिया इसके ऊपर। और इसके बाद जो ये बीच वाला ड्रॉर है इसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ, और आज भी बस इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। इसमें मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं, बस जो मच्छरों वाली दवाइयाँ होती है वही रखती हूँ, जैसे ओडोमॉस का लोशन है इसमें, और मॉर्टिन कॉयल है, और ऑल आउट वगैरह, यही सब बस मैं इसमें रखती हूँ, ऑल आउट की रिफ़िल, यही चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और अब मैं इस ड्रेसिंग को आगे खिसका लूँगी अपनी जगह से, मतलब इसको हटा दूँगी ताकि मैं इसको अच्छे से साफ़ कर पाऊँ, पीछे तक झाड़ू जा नहीं पाती है रोज़, तो इसलिए अब मैंने पहले ड्रेसिंग साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं दीवार को झाड़ ले रही हूँ। जितनी सफ़ेदी जितनी मिट्टी झड़ती है सीमेंट उतनी मैं झाड़ देती हूँ जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा मैं यहाँ से सफ़ेदी का टुकड़ा लेके गई हूँ, और ऐसे मैंने 2-3 फेंके थे बाहर। और इसके बाद यहाँ पीछे मैं स्टूल रखती हूँ जिसपे हमेशा टैडी रखा रहता है पिंक कलर का, वो स्टूल मैंने हटा दिया है, वहाँ से निकाल दिया है, और मैं यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। सारा कूड़ा मैंने बाहर निकाल लिया है झाड़ू से। उसके बाद मैं यहाँ पोछा ले आई हूँ,
और मैं थोड़ी थोड़ी जगह में ऐसे करती रहती हूँ ताकि मुझे एकदम से सारा सामान बाहर भी ना निकालना पड़े और क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है और गर्मी का टाइम है, साथ साथ सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर्दी है भाई चिप चिप करेगा, बारिश है, आज गर्मी खूब थी तो मतलब अच्छे से ये सूख जाएगा अपने आप ही। इसके बाद मैं ड्रेसिंग को इसकी जगह पे सेट कर दूँगी और निश्चय को ये स्टूल काफ़ी पसंद है, जब भी ये बाहर निकलता है तो इसको रहता है कि हाँ भाई मैं इस पर बैठ जाऊँ। तो अभी ये क्लीन हो चुका है ड्रेसिंग वाला एरिया, इसके बाद मैं यहाँ आ चुकी हूँ इधर अलमारी की तरफ। तो अलमारी को मैं खिसका लूँगी और आप सोच रहे हो कि भाई बहुत पहलवान चोरी है सच में देसी चोरी है, आज तो पता चल गया होगा क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते हैं भाई कि देसी तो आप कहीं से नहीं लगते, तो भाई देसी मेरे काम है, आप देख लो दिल्ली वाली लड़कियाँ इस तरह से नहीं कर सकती, देसी चोरी ही कर सकती है। यहाँ अब मैं अलमारी के पीछे से सफाई कर लूँगी, पहले मैं झाड़ू से इसको साफ़ कर लूँगी, पीछे भी मैंने इसका झाड़ू मार दिया है और मतलब अलमारी के बैक साइड में, और नीचे फर्श पे से जो कूड़ा गिरा था वो भी मैंने झाड़ू से निकाल लिया है। और इसके बाद फिर वहीं जैसे मैंने ड्रेसिंग पे किया था सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी पोछा लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ बेड के पास, मैं बैठ चुकी हूँ और बेड के अंदर जितना भी नीचे कूड़ा फंस जाता है, बेड के नीचे सबके कूड़ा होता है भाई, सब हर घर में होता है ये कूड़ा, इसको मैं जाले से साफ़ कर लेती हूँ पहले। जो जाला झाड़ू है वो मेरी खुल के लंबी हो जाती है तो इसलिए सबसे पहले मैं लंबे हाथ कर करके मतलब जितना मुझसे हो सकता है जितनी दूरी तक मैं सारा कूड़ा निकाल लेती हूँ। और उधर दीवार वाली साइड में मैंने थोड़ा स्पेस भी छोड़ा हुआ है, उस तरफ तो डेली झाड़ू लगी ही जाती है। तो इस तरह से मैंने देखो आप देख सकते हैं ये कितना कूड़ा इसके नीचे से निकल जाता है और बेड के नीचे खूब जाले लग जाते हैं अपने आप, तो वो जाले भी इसी से निकल जाएंगे, रेत मिट्टी जो भी उड़ के जाता है वो सब इससे निकल जाएगा। और सामान भी खूब निकलता है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं बेड के नीचे खूब सामान बच्चे फैला देते हैं। इसके बाद मैं ले आई हूँ झाड़ू, अब जितना कूड़ा निकलना होगा वो झाड़ू से मैं निकाल दूंगी। और यहाँ मैं तसल्ली से बैठ गई हूँ क्योंकि भाई मुझसे उखड़ू ज़्यादा देर बैठा जाता नहीं है तो यहाँ मैं आराम से बैठ गई हूँ। तो अब ये झाड़ू से क्लीन करने के बाद ऐसे आप सोच रहे होगे क्या नौटंकी कर रही है, किस किस तरह से बैठेगी। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पोछा ले आई हूँ और अब मैं पोछे से क्लीनिंग कर दूँगी बेड के नीचे से, और पोछा मैं वाइपर में लपेट के ले आई हूँ, आधी साइड का इधर से लग जाएगा, आधी से भी ज़्यादा अंदर तक ये पोछा चला जाता है। और दूसरी साइड में उधर मैंने बताया हुआ है कि दीवार की साइड बेड पे स्पेस छोड़ा हुआ है तो उधर से तो डेली लग ही जाता है। और अब मैं आ चुकी हूँ बेड पे बेडशीट बिछाने के लिए क्योंकि निश्चय को बड़ी जल्दी लग रही थी और जल्दबाजी में आप देखना कि मैं पिलो कवर भी चेंज करना भूल गई थी आज। तो लास्ट में वीडियो बनने के बाद मुझे ये बात याद आई थी क्योंकि बेड वो जो पहले बेडशीट बिछी हुई थी वो मेरी इतनी गंदी भी नहीं थी। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ इधर, ये टीवी मेरा रखा हुआ है, सबसे पहले मैं टीवी को हटा दूँगी और जो ये जंगला मेरा है विंडो इस पे पूरे पे मैं झाड़ू मार दूँगी, जितने भी रेत मिट्टी लगी होगी वो सब उतर जाएगी। और इसके बाद मैंने इस पे कपड़ा भी फेर दिया था, शायद वो क्लिप मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है अगर एक एक चीज़ मैं आपको मतलब बिल्कुल बारीकी से दिखाने की सोचती। वैसे मैंने सब कुछ दिखाया है इसमें। और इसके बाद ये जो वॉल हैंगिंग टंगा हुआ है मेरा बैग, इसको भी मैंने एक बार मतलब हटा के पीछे से झाड़ू मार दिया क्योंकि इसके पीछे छिपकली हो जाती है और शायद ये चीज़ें जाले में ही आती है। और अब ये संदूक का कवर हटा के, पेटी का कवर हटा के मैं इसको बाहर ले गई थी और फिर मैंने इसको झाड़ दिया था क्योंकि इस पे भी जाले गिर गए होंगे। अब मैं संदूक को हटा दूँगी और वापस मैंने इस पे कवर लगा दिया था और अब इसके पीछे से मैंने झाड़ू लगा दिया है, इसको उसकी जगह पे सेट कर दूँगी। और नीचे से इसके हमेशा झाड़ू लगती रहती है क्योंकि ये पैरों वाली है, मतलब इसके चार पाए लगे हुए हैं तो ऊँची है ये, कोई दिक्कत नहीं है। वापस मैंने टीवी यहीं पे लगा दिया है और टीवी पे उसका ये कवर सा है ये बिछा दिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सेटअप बॉक्स को सेट कर दे रही हूँ क्योंकि निश्चय छुट्टी वाले दिन उसको लगा रहता है कि हाँ टीवी चला दो टीवी चला दो। और अब मैं गेट पे झाड़ू मार लूँगी, गेट भी मैं डेली साफ़ करती हूँ तो ये भी ज़्यादा गंदा नहीं होता। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक डिब्बा रखती हूँ मैं टीवी के पीछे, इसमें मेरा मशीन का सामान होता है। उसके बाद मैंने वहाँ बैग लगा दिया है निश्चय का। और यहाँ मैं आ गई हूँ कूलर को साफ़ करने के लिए, तो सबसे पहले मैं कूलर को साफ़ कर लूँगी और कूलर भी दो तीन दिन में एक बार मैं ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, इस तरह से कपड़ा मार देती हूँ कूलर पे, इसीलिए ये लगभग 3 साल हो गए हैं इसको और ये ऐसे कैसा सफ़ेद चमक रहा है, बिल्कुल गंदा नहीं हुआ है कहीं से भी। और झाड़ू लगा रही हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे, और ये मैंने सोफ़ों को हटा हटा के मतलब झाड़ू लगाई है, टेबल को भी मैंने इधर खिसका दिया था कूलर की साइड,
तो वैसे मैं टेबल सोफे के बिल्कुल पास ही रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता होता है कोई आना जाना है तो थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। वैसे कौन आता जाता है यार, आस पड़ोस में से कोई आता जाता है नहीं तो, और जो आता है वो बाहर वाले पे ही बैठ जाते हैं, अंदर मेरे रूम में बहुत कम लोग आते हैं। ये तो जगह के कारण बस यहाँ रखा हुआ है। और यहाँ मैं आपको अपनी शादी की फ़ोटो दिखा रही थी, और ये मैंने अब घड़ी उतार रखी थी, घड़ी को भी मैंने कपड़ा मार दिया, अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ सोफ़े के ऊपर चढ़ के मैं अपनी ये फ़ोटो टांग देती हूँ। ये शादी की फ़ोटो है हमारी, और ये जो फ्रेम है ये भी शादी में ही किसी ने गिफ्ट दिया था, तो बस इसमें मैंने शादी की फ़ोटो निकलवा के रख ली थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और वेलकम, मैं आपका अब कर रही हूँ जाते जाते, क्योंकि भाई मैंने फेस कवर कर रखा था पूरा, और मुझसे नहीं होता ऐसे फेस खुला करके, फिर धूल चढ़ जाती है और सबको ही होता है ऐसे। तो अभी मैंने क्लीनिंग पूरे रूम की कर दी है, तो आज मैं आपको अपना छोटा सा रूम भी दिखाऊंगी कि मेरा सिंपल सा छोटा सा रूम कैसा है। तो उससे पहले मैं एक बार रूम में पोछा लगा लेती हूँ, झाड़ू वाड़ू सब मेरा हो गया है, तो एक बार मैं पोछा लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको रूम। और ये जो सामने जो आपको मतलब ये इस तरह की जो दीवारें दिख रही है, नई दीवारें, ये अभी घर का पार्टीशन हुआ था, एक पार्ट पीछे चला गया और एक पार्ट ये मेरा आगे रह गया है, तो बस ये उसी की दीवारें नई हुई थी। एंटर करते ही ये टेबल और दोनों सोफे वाली कुर्सियां मैंने लगा रखी है छोटे, उसके बाद है ये कूलर। जब किसी को इधर बैठ कोई इधर बैठा होता है जब, तो मैं कूलर का मुंह इधर घुमा देती हूँ। उसके बाद है ये बेड, जब कोई बेड पे होता है तो फिर मैं मुंह इधर घुमा देती हूँ कूलर का। और ये है ड्रेसिंग, इधर अलमारी, ये एक विंडो है बाहर की तरफ, और ये है संदूक, संदूक पे टीवी रखा हुआ है, संदूक पेटी कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर मैंने टीवी रखा हुआ है। और ऊपर ये हैंगर लगा हुआ है जिसपे इनके डेली के कपड़े रहते हैं, लोवर टी शर्ट वगैरह ये टांग के रखते हैं इस पे, जो ये हमेशा घर में पहनते हैं, क्योंकि इनको ना बहुत इरिटेशन हो जाता है अगर ये कपड़े अलमारी में से इनको बार 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 निकालने पड़े, तो इसलिए फिर ये बाहर ही टांग के रखते हैं इनको। और एक ये मैंने यहाँ पर टांग के रखा हुआ है जिसमें इनके सॉक्स और हैंकी ये सब रहते हैं। एक ये वॉल हैंगिंग इधर बना के टांगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें मैंने नहीं मेरी बहन ने बनाई थी, तो ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं इधर, इनमें एक्स्ट्रा का छोटा मोटा सामान डला रहता है। तो कुछ इस तरह का है रूम से ना, बहुत ये झड़ती थी सफ़ेदी मिट्टी, इस वजह से मैंने ये इस साइड में ये सिर्फ प्लास्टिक लगाया है, ये रुक तो नहीं रहा है, इसका कुछ और ही इलाज करना पड़ेगा। और यहाँ ड्रेसिंग पे ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है शादी से पहले की, ये इस साइड मेरा बेड है, बेड के बिल्कुल सामने वो लगा रखी है मैंने राधा कृष्ण की मूर्ति, ये रूम में होनी ही चाहिए ऐसा मैंने सुना है, कि मतलब अपने बेड के जस्ट सामने पूर्व दिशा में ये अपनी खुद की फ़ोटो, मतलब कपल फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो आप लगा सकते हो, और ये राधा कृष्ण। इधर ये दो विंडो थी, ये भी बंद हुई थी, इस साइड में गेट था, इस साइड में एक विंडो थी, तो ये भी बंद की गई थी, पार्टीशन कुछ इस तरह से हुआ था, तो इस वजह से ये निशान है। अब दिवाली के आसपास पेंट करवाने की सलाह है, तो उस टाइम पे ये सब ठीक हो जाएगा। और घर साफ सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा घर हो ना तो ऐसे ही घर में बहुत मन लग जाता है। मुझे तो अपने घर के अलावा किसी का घर अच्छा भी नहीं लगता, मुझे तो भाई यही मन लगता है मेरा तो। चलिए यहीं से कर देती हूँ आज की वीडियो को एंड, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है पहले ही, क्योंकि क्लीनिंग मैंने बिल्कुल डीप लियाज की थी। तो आपको मेरी डीप क्लीनिंग अच्छी लगी हो, कुछ पसंद आया हो वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब करने के बाद एक आएगा बेल आइकन बना, उसको प्रेस जरूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।